मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने समर्थकों के साथ शनिवार को महेश्वर के ग्राम भगलाए पहुंचे। कमलनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि दुख की इस घड़ी में वे उनके साथ हैं। कमलनाथ ने पीड़ितों से मिलने के बाद सरकार से युवक और युवती के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता देने की मांग की। इस मौके पर पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन भी साथ थे। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पहले ही महू में एक आदिवासी युवती की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उसके बाद थाने पर हुए उपद्रव के बाद पुलिस की गोलीबारी में एक युवक की जान चली गई थी। कमलनाथ इन्हीं मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। कमलनाथ ने मृतक युवक भैरूलाल के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद कमलनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले आदिवासी युवक को गोली मारी और फिर कुछ लाख रुपए से जान की कीमत लगा रही है। कमलनाथ ने दोनों ही परिवारों युवक और युवती को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की सरकार से मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। किसान को बीज और खाद के लिए भटकना नहीं पड़ा, सही बात है। 100 यूनिट 100 रुपए में दी, सही बात है। कर्जा माफ की योजना हमने शुरू करी, पहला किस्त था। कर्जा माफ का पहला किस्त चल रहा था, 27 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया। ये सच्चाई है सबके सामने। और शिवराज सिंह जी ने आज हमारे प्रदेश को कहां घसीटा है। पैसा कानून हम 20 साल पहले लाए थे, मैं संसद में था। 20 साल बाद इन्होंने नियम बनाए और आज ऐसे ही नियम बनाए हैं जो कभी लागू नहीं हो सकते। जल जंगल और जमीन, ये 3 लाख जो आवेदन थे रिजेक्ट कर दिए। ये इनकी हालात है। इनके पास बस बचा है पुलिस, पैसा और प्रशासन। 6 महीने बचे चुनाव के, 6 महीने की ये सरकार है। मैं आपसे नहीं कह रहा, आज दुखद का समय है, आपसे कांग्रेस की बात नहीं करना चाहता। कमल, अरे भाई, लाडली बहन 1000 रुपए देंगे, 4 महीने बाद कहेंगे आपने गलत फॉर्म भरा था, पैसे वापस लाओ। जो किसान निधि में किया, ये याद रखिएगा। ये तो प्रलोभन है जीतने के लिए। पर मैं आपसे नहीं कहता कि आप कांग्रेस का साथ दो, आज दुखद का समय है। मैं कोई प्रचार में नहीं आया, मैं ये नहीं कहता कमलनाथ का साथ दो। मैं तो आपसे एक ही बात कहता हूँ, तस्वीर अपने सामने रख लीजिए, सच्चाई का साथ देना, सच्चाई का साथ देना। फोटो दिखाई लड़की की कि उन्होंने बॉडी देखी, उनके पिताजी और भाई ने बॉडी देखी, किस तरह वहाँ घाव है और किसी को करंट लगता है तो इस प्रकार के घाव नहीं होते। ये तो करंट लगाया गया जो इनका आरोप है। और उनके पास फोटो है, बड़ी सहन के साथ ये पूरी कार्रवाई करी गई है। पिताजी पर FIR, 307 का FIR, और FIR का समय 5:04, जब कोई घटना हुई नहीं थी। वो तो FIR अभी विजय लक्ष्मी जी आपको दिखाएंगे। आज मध्य प्रदेश आदिवासियों के अत्याचार पर नंबर 1 है और पिछले 17 साल में मध्य प्रदेश 13 दफ़े आदिवासियों पर अत्याचार पर नंबर 1 अपने देश में रहा है। ये मेरे पास मेरे आंकड़े नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे, ये NCRB के आंकड़े हैं, ये मैं आपको दे देता हूँ, ये कि कितने आदिवासियों पर अत्याचार हुआ, ये आंकड़े गवर्नमेंट के हैं। बड़ी दुखद बात है, आज भारतीय जनता पार्टी के पास केवल दबाने, छपाने और डराने का रास्ता बचा है। कल मुख्यमंत्री यहीं थे और मुख्यमंत्री, जैसे मुझे जानकारी मिली, कल इसी ज़िले में थे, पर उनको ये एहसास नहीं हुआ कि कम से कम यहाँ अपना दुख व्यक्त करने आते। आज मैं यहाँ आया हूँ और जो मुझे सुनने को मिला, बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे कि किस प्रकार ये शैलेंद्र किया गया है। और इसका सबूत है, अब सबूत फोटो में है, सबूत FIR के टाइमिंग पर है, जब कोई घटना वहाँ शुरू भी नहीं हुई थी, उसके पहले इन्होंने FIR फाइल कर दिया था। और किस तरह पुलिस इन पर दबाव
बना रही थी, तुम चलो ले जाओ लाश को ले जाओ, ये सब मुझे इन्होंने बताया। इतना आदिवासियों पर अत्याचार, 17 साल में से 13 दफ़े, ये मैं आंकड़े आपको दूंगा, मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप रख लीजिए, इस पर ये रख लीजिए, मैं आपको 2 कॉपी दे देता हूँ। आदिवासियों पर अत्याचार का 13 साल नंबर 1 पोजीशन देश में रहना, शिवराज सिंह ने मुकुट पहना हुआ है। ये आज भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन और नाटक और नौटंकी और गुमराह की राजनीति अपना रहे, किस तरह प्रलोभन दे रहे हैं नई नई योजनाएं बन की घोषणा करके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।